नमस्कार विद्यार्थियों आज मैं आपको बी भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में सत्ता के आधार एवं सत्ता की सीमाओं के बारे में बताऊंगी इससे पूर्व के व्याख्यान में सत्ता के स्रोत सत्ता के प्रकार और सत्ता किसे कहते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सत्ता के कौन से आधार हैं और किन आधारों पर उसका पालन किया जाता है और इसी के साथ साथ कौन कौन सी सीमाएं लगाई जा सकती है ये आज हम पढ़ेंगे सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया भी था कि उच्चस्थ द्वारा दिए गए आदेशों को जब अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वो सत्ता वास्तविक रूप ग्रहण करती है इसके अतिरिक्त विश्वास विचारों की एक रूपता विभिन्न दंड विधान अधीनस्थों की प्रकृति पर्यावरणात्मक दबाव आदि भी सत्ता के आधार रूप में कार्य करते हैं पर्यावरणात्मक दबाव आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूपों में होते हैं राज्य व्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे संविधान प्रशासनिक संगठन पदानुक्रम में आयोजित विभिन्न पदों तथा इन पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं इसके अतिरिक्त सत्ताधारी की कार्यकुशलता और व्यक्तिक गुण भी सत्ता के आधार रूप में कार्य करते हैं अपने राज्य का भलीभांति अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का कार्य करती हुई हमें दिखाई देती है तो इस तरह सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थता का क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मीच कर स्वीकार करता है स्वीकृति का यह क्षेत्र सीमित होता है तथा गढ़ता बढ़ता भी रहता है सामान्यतः अधीनस्थ की यह प्रवृत्ति रहती है कि वह प्रत्येक विषय में प्राधिकारी के आदेशों का पालन करे क्योंकि ऐसा करने में वह उत्तरदायित्व से बच जाता है अधीनस्थ की दृष्टि से आवश्यक है कि आदेश समस्त संगठन के लिए हितकारी हों तथा उसके व्यक्तिगत हित में भी हो यह मैंने पहले भी बताया था कि जब इनका पालन किया जाता है तो संगठन के उद्देश्यों और संगठन के हितों के खिलाफ किसी भी तरह का आदेश नहीं होना चाहिए वह पुरस्कार प्रशंसा लालच या दंड के भय से भी आदेशों का पालन कर सकता है जब सत्ताधारी में कोरी सत्ता के अलावा नेतृत्व तथा अन्य व्यक्तिगत गुण हो तब अधीनस्थ के लिए आदेशों का पालन स्वाभाविक भी हो जाता है तो इस तरह से सत्ता के पालन के और मुख्य जो आधार हैं वो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि इसके बारे में एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करता है सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से प्रतिपादित दो सिद्धांत एक तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरी स्वीकृति सिद्धांत में इसके बारे में बताया गया है और मैंने इसको विस्तार पूर्वक पूर्व के व्याख्यान में बताया भी है इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर मेरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा भी इस संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं लेकिन साइमन के इस संबंध में जो विचार व्यक्त हुए हैं वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है साइमन ने जो सत्ता के पालन के आधार बताए हैं वो मूलतः चार आधार बताए जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगी जैसे पहला आधार उन्होंने बताया विश्वास विश्वास सत्ता के पालन का संभवतः सबसे मुख्य आधार होता है क्योंकि अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेना होता है दूसरा है एक रूपता यह मानव का स्वभाव है कि वह उन लोगों से के परामर्श को सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों में एक रूपता रखते हैं सत्ता पालन के प्रसंग में एक रूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राजनीतिक व्यवस्थाएं उदारवाद साम्यवाद या फांसीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती है तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढाने का प्रयत्न करता है यानी जिस किसी व्यक्ति से हमारे विचार मिलते हों हम उसका कहना बड़ी जल्दी मान लेते हैं और यही सामान्य बात संगठन में भी लागू होती है कि संगठन में भी जो आदेश परामर्श या सुझाव दिए जाते हैं उनका पालन अधीनस्थों के द्वारा बड़ी आसानी से कर लिया जाता है जब उनके विचार उनके जो ऊपर से आदेश आए हैं उसके अनुकूल होते हैं फिर है दबाव के कारण भी एक महत्वपूर्ण रूप से हम इसे ले सकते हैं अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करते हैं प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है और जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं सत्ताधारी का प्रयत्न यह होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता न पड़े ये मजबूरी में उठाया गया कदम होता है क्योंकि इससे पहले एक और विश्वास के आधार पर आदेशों का पालन कर दिया जाता है फिर है वैधानिकता प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है तब सत्ता के प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है यानी किसी भी संगठन में एक पद सोपान की व्यवस्था होती है कि उच्च अधिकारी है वो निम्न को आदेश देगा और ये एक विधि के अनुसार होता है नियम के अनुसार होता है ये वैधता प्राप्त हो जाती है उस सत्ताधारी को इसलिए उसका पालन किया जाता है ये सभी मुख्य आधार माने गए हैं एक संगठन में सत्ता के पालन के लिए लेकिन इसके साथ साथ सत्ता की कुछ सीमाएं भी होती है और ये सीमाएं अलग अलग रूप में हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं भी निर्धारित कर देता है जिनका पालन किया जाना नितांत आवश्यक होता है सत्ता की सीमाओं का आशय है सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर प्रतिबंध जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सके सत्ता को संवैधानिक कानूनों और राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है तथा वह संस्कृति मूल्यों परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती सत्ता की ये सीमाएं प्राकृतिक नैतिक उद्देश्यगत आंतरिक बाहरी या प्रक्रिया संबंध भी संबंधी भी हो सकती है तो सत्ता की जो मुख्य मुख्य सीमाएं हैं उनके बारे में एक एक करके हम विचार करेंगे पहला है प्राकृतिक सीमा संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो या ना हो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को ये अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक और अनिवार्य सीमा होती है और इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित रूप से हो जाता है फिर जैसे नैतिक और धार्मिक विश्वास नैतिक और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है संस्कृति भी लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला साहित्य धर्म संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करती है सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है तो संस्कृति भी एक मूल आधार संस्कृति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए संविधान नियम और उपनियम की भी सीमाएं हैं क्योंकि संविधान राजसत्ता का अंतिम स्रोत है अतः तो सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती है ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं आर्थिक सीमाएं भी होती है प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती है अतः उन्हीं साधनों और क्षमताओं के आधार पर भी हम सत्ता को सीमित प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं इसी के साथ साथ अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ भी महत्वपूर्ण माने गए हैं कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने और आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से ही करती है अतः अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित कर देती है इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवस्थाओं में प्राय उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए संघ आदि बनाकर सामूहिक सौदेबाजी करते हैं यह स्थिति भी सत्ता पर अवरोध लगा देती है तो अधीनस्थ की क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होता है और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सीमाओं के अंतर्गत लाए जा सकते हैं क्योंकि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आंशिक मान्यता ने भी सत्ता पर सीमाएं लगा दी हैं यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है लेकिन साथ ही यह सत्य है कि राजसत्ता द्वारा मनमाने तौर पर इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती तो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो इन सब की सीमाएं सत्ता पर निश्चित रूप से लागू होती हैं और इन सब के अतिरिक्त सत्ता की कुछ और भी सीमाएं हैं जैसे प्रत्येक राज्य व्यवस्था के कुछ निर्धारित और उद्घोषित लक्ष्य होते हैं उद्देश्य होते हैं सत्ता इन लक्ष्यों एवं आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकती और सत्ता की कुछ तकनीकी सीमाएं और मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं तो राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा साथ साथ उस पर सीमाएं लगाने में ही है जिससे सत्ता की जनहित स्थिति बनी रहे धन्यवाद